चीन देखा बहुत ब्यूटीफुल है बेटा, दीदी लगा रही है। चीनी लगा रही है इसका। सो ये है बाबू की मेहंदी, दिखाओ बाबू। जो मैंने लगाई है चीनी ने, स्वयं चीनी ने। ये तो दिखा, ये देखिए, ये मैंने लगाई है। कुछ बिगड़ गया हो तो माफ करना बाबू, बता क्या करना है। तो मतलब तेरे को कैसे लग रही है मेहंदी? अच्छी। क्या अच्छी? अच्छी तो स्वाइल का क्या बोल? ओए तो गंदी वाली अच्छी। कुछ 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 चीनी वाओ ट्रायंगल एंड चिकू का स्क्वायर वाओ ब्यूटीफुल। ये क्या लिखा है? गर्व। कोई नहीं बात बेटा, वो सुंदर है। चीनी का भी ब्यूटीफुल। फिर कंप्लीट मेहंदी दिखाएंगे, ठीक है? एंड ये मेरी मेहंदी जो मैं खुद लगा रही हूँ। बिल्कुल भी फिनिशिंग से नहीं हुआ है, बट ठीक है, काम चलाओ। पता नहीं फोकस हो रहा है कि नहीं, बाद में मैं कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो मैंने कंप्लीट लुक लेना ही भूल गया। एंड ये है मेरी मेहंदी, अभी देख लो। एंड राइट हैंड में चीनी लगा के दे रही थी मेरे को, जो छोटे छोटे फ्लावर्स बना रखी है वो। देखो इतने सुंदर बनाई थी वो, सब तारीफ़ कर रहे थे कि इतनी छोटी हो कि इतनी अच्छी बनाई है। एंड ये है चीनी की मेहंदी, उसके हाथ में आप देख सकते हैं। इसकी भी मैं पिक्चर लेना भूल गई क्योंकि टाइम नहीं मिला। एंड देखो कितना प्यारा बनाया है उसने फ्लावर। एंड ये है मेरे पापा जो मेरा नुआ करके दे रहे हैं मेहंदी का, जो फिंगर टिप में लगाते हैं ना वो लगा के दे रहे हैं। मेरी मम्मी एक्चुअली उस टाइम मिक्सचर बना रही थी मेरे को देने के लिए, शाम का टाइम है तो इसलिए पापा आए थे थोड़ी देर के लिए घर, तो मैंने बोला पापा लगा दो। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मायके में, मम्मी एंड पापा के साथ टाइम स्पेंड करना। एंड ये मैं रेडी हुई हूँ कहीं जाने के लिए, तो मैंने पहनी है वाइट चिकनकारी कुर्ती एंड वाइट लेगिंग एंड एकदम मिनिमम मेकअप है एंड ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग। सिर्फ काजल एंड लिपस्टिक लगाई है मैंने। ये है मेरे देवर एंड मेरे क्लासमेट भी रह चुके हैं और वो है फूफा जी। तो मैं आई हूँ बुआ जी के यहाँ, मेरे मायके में रहते हैं, पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने ब्लॉग में। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हो आज मैं हाँ ठीक ये मम्मी है। चलो उतरो ये कौन है? चीनी है। चिकू ए चिकू ओए चिकी किधर आया? चिकी बाबा किधर आया? आओगे मेरे वीडियो में? पापा, तो पहले तो मैं गई अपनी बुआ जी के यहाँ, मैं एंड मेरे हस्बैंड। एंड उसके बाद हम लोग गए खाने, तो बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाया। एंड मैं अपने लास्ट व्लॉग में जो शेयर किया था वही सेम जगह गए थे हम लोग। एंड अगेन वही भेल चाट गुपचुप एंड मिल्क शेक यही सब खाया। एंड मुझे एक्चुअली स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाना पसंद नहीं करती, तो इंडियन स्ट्रीट फूड मुझे अच्छा लगता है। एंड ये मैं फिर से भेल खाती हुई इंजॉय करते हुए, एंड मैं बहुत गपा गप खा रही हूँ और मैं पसीने में, हम लोग सब भीग रखे थे पसीने में। एंड बहुत टेस्टी बनाते हैं वो भैया, इसलिए हम वहीं पर खाते हैं। हेलो, हम लोग आए हैं पार्क, मैं दिखाती हूँ कौन सा पार्क। ये है महात्मा गांधी शिशु उद्यान। शिशु यानी बच्चा। पापा,
बापरे, यहाँ तो मैं दिखाती हूँ कितना मेला लगा है, कितनी ज्यादा भीड़ है। मम्मा डायनासोर पार्क है। हाँ हाँ, झूले हैं इधर एंड इधर। बाउंसी कैसे इधर 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 चलो। हाँ हेलो, इधर आओ ना। डायनासोर कहाँ है? ये बीच में एक राइड है, एक झूला ट्रेन, एंड यहाँ पे स्विंग्स हैं बहुत सारे, एंड ये बाउंसी कैसल। एंड देख, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, ऐसा लग रहा है मेला लग रखा है। एंड ये पार्क रहा काफ़ी दिनों से बंद था, रेनोवेशन हो रहा था यहाँ पे, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये आज ही खुला है क्योंकि आज संडे है, तो इसलिए इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे। आराम से बेटा चिट्टी, आराम से। रुक रुक आराम से। तो ये है गांधी पार्क एंड ये है महात्मा गांधी। ये है देखो डायनासोर सामने जो बने हुए, ये जो पार्क है गांधी पार्क नाम है इसका, बट चीकू इसको बोलता है डायनासोर पार्क। गांधी चीकू इसका बोलता है डायनासोर पार्क क्योंकि यहाँ पे डायनासोर्स बने हुए हैं, एंड चीकू बचपन से यहाँ पे आता था, बहुत एक्साइटेड रहता है। हाँ चीकू, एक बड़े डायनासोर है एंड एक छोटा डायनासोर है, बेबी डायनासोर। चीकू ये क्या है बाबू, क्या है? देखो डर लगता है डायनासोर से। कौन सा डायनासोर है ये? रेचियोसोरस, रेचियोसोरस। ये टायरानोसोरस का बच्चा। अच्छा ओके, तो आप देख सकते हो चिक्कू कितना ज़्यादा एक्साइटेड एंड चीनी भी इनफैक्ट, एंड मेरा भतीजा जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बट चीनी एंड चिक्कू यहाँ बचपन से आते हैं, तो उन लोग का लाइक ये रहता है कि जब भी नानू घर जाएंगे तो ये वाला पार्क तो जाएंगे ही, एंड काफ़ी दिन से बोल रहा था मुझे चिक्कू, बट बंद था ये पार्क, रेनोवेशन चल रहा था वहाँ पे, तो जिस दिन हम लोग गए शायद उसी दिन खुला था वो, फिर से ओपन हुआ था, तो इसलिए हम लोग चले गए एंड बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करे। एंड ये टाइगर भी बना हुआ है यहाँ पे, डायनासोर थे, एंड ओवरऑल अच्छा था। यहाँ पे एकदम छोटा सा एक कैफ़े टाइप का है, एंड ये है वो डायनासोर्स, बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे वहाँ पे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग एरिया दिया हुआ है, एंड ये चीनी एंड चीकू गए हैं टाइगर देखने। बच्चों के लिए अच्छा है पार्क, वहाँ सब चीज़ें थी, लाइक एक अम्यूजमेंट पार्क था। ये है गार्डन, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, एकदम मेले की तरह भीड़ है यहाँ पे। हम लोग बहुत सारा खाना वाना खा लिए थे, एंड उसके बाद डिनर में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम बचा था, तो सोचा पार्क ले आते हैं बच्चों को, तो यहाँ आके देख रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा ही भयानक वाली भीड़ है। यहाँ पे है एक फाउंटेन जो कि बंद है, चालू नहीं है अभी। सो पार्क का एक राउंड लगाया, थोड़े बहुत झूले वगैरह में बैठे बच्चे, एंड ओपन जिम भी था वहाँ पे, एंड अच्छी तरह से मैंने कैप्चर नहीं कर पाया। एंड उसके बाद यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी लगा था, तो वहाँ भी सोचे कि देख लेते हैं, बगल में था जस्ट उसके, इसलिए चले गए थे हम लोग। ये लगा है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, मैं दिखाती हूँ आगे। यहाँ भी भयानक वाली भीड़ है, इतनी ज़्यादा गर्मी में भी इतनी भीड़ है ये। सामने वाला
बच्चे लोग हाथ पकड़ो, ये है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन। एग्जीबिशन लगा है जैसे कि यहाँ पे मेंशन है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की, बहुत सारे स्टॉल एंड पूरा एग्जीबिशन नहीं देख पाए थे हम लोग, लेट भी हो रहा था एंड सिर्फ बर्गर खाया था उसके बाद, क्योंकि चीनी काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि बर्गर खाना है एंड ये बर्गर का एक नया शॉप खुला था तो सोचा यहाँ ट्राई कर लेते हैं एंड बस इसके बाद घर चले गए थे हम लोग। तो इसके बाद एक व्लॉग और शेयर करूँगी मैं जो कि होगा माइका टू ससुराल, स्टे ट्यून फॉर दैट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट करके बताना कि ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।